नमस्कार दर्शक बंधु, चलते जानवा तंटी मंटा लगिगले कौन करवा उचित केचटी कम करवा तो आपण को जल्दी आराम मिल जाश लोक खावा को बहुत भल लगी किंतु किछि लोके माछ खाइबा को भल पाउथिले मध्य माछर कंटा जोगु खाई पारंते नाही। साधारणतः कहिबाकु गले आमे माछ खाउथिबा समय रे बेले बेले माछ कंटा आम तंती रे लागि जाय थाए। तेणु आसंतु एही समस्यारु मुक्ति पाइबा पई केउ पांच गोटी कार्य करिबा उचित सेही विषय रे चलंतु जानिबा। जदि आपण माछ खाउथिबा समय रे आपणकर निश्वास अटकी जाउथिबा बडी अनुभूत हेउछि ताहाले आजि आमे आपणको किछि एबडी घरै उपाय विषय रे कहबा पई जाउछु जहा द्वारा आपणको तंटीरु सहजरे माछ कंटा बाहरि जीव। साधारणतः अधिकांश लोकंकर गळारे किछि जिनिस अटकी रहिले सेमाने प्रथमे कासिबा आरंभ करि देथांती तेबे गळारु कंटा बाहर करिबार अत्यंत सहज उपाय होजी अधिक समय पर्यंत कासिबा। अधिक समय पर्यंत कासिबा द्वारा गळारे फसी रहिथिबा कंटा सहजरे बाहरि जायथाय। एहा छडा जदि गळारे माछ कंटा लागि जायथाय ताहाले तुरंत ऑलिव तेल सेवन करिबा उचित कारण ऑलिव तेल पीबा द्वारा गळारु कंटा खूब सहजरे पेट भितर को खसी जाय थाए एवं एहा शरीर पई हानिकारक मध्य होइ न थाए। साधारणतः कहिबाकु गले अधिकांश लोके गळारे माछ कंटा अटकी गले कदळी खाइ थांती तेणु गळारे कंटा लागि गले तुरंत गोटे कदळी को नै न चोबाई गिळिबाकु चेष्टा करंतु। एभळी करिबा समय रे आपणंकु टिकिए असुविधा होई पारे किंतु एपरि करिबा द्वारा माछ कंटा सहजरे गळारु तळकु खसी जाइथाय। गळारु माछ कंटाकु बाहर करिबार एक चमत्कारी उपाय होउछि सुखिला रुटीकु चोबाइबा। आपण जानि आश्चर्य हेबे कि गळारे माछ कंटा लागिगले तुरंत सुखिला रुटी चोबाइबा द्वारा गळारु माछ कंटा बाहरि जाए। तेबे एही सब उपाय कले आपणंकु निश्चिंत भावरे सुफल मिलिजिबा।